بسم الله الرحمن الرحيم. इसलिए अबू लैस समरकंदी की बात को समझना चाहिए। वो कहा करते थे, हासिद जब हसद करता है 5 सजाएं उसे मिलती हैं। पूछने वाले ने पूछा, क्या सजाएं मिलती हैं? उन्होंने कहा, गमुन ला यनकता, हसद करने वाला हमेशा हमेशा के गम में चला जाता है, उसका गम कभी खत्म नहीं होता। दूसरी सजा, मुसीबतुल ला युजर अलैहा, मुसलमान को मुसीबत आती है, गुनाह माफ होते हैं, अजर मिलता है, लेकिन हासिद जिस मुसीबत में चला जाता है इसका अजर नहीं मिलता। मजम्मतुल ला युहमद अलैहा, लोग नेक लोगों की भी मजम्मत करते हैं, उसका अजर लिखा जाता है, लेकिन हासिद को बुरा भी कहते हैं लेकिन उसकी तारीफ नहीं होती। चौथी सजा, सख़त रब, अल्लाह जलाल नाराज हो जाते हैं। पांचवी सजा, युग़लक़ु अन्हु बाबु तौफीक, अल्लाह तौफीक का दरवाजा उससे बंद कर देते हैं। अल्लाह जलाल तौफीक का दरवाजा उससे बंद कर लेते हैं, उसे फिर तौफीक नहीं मिलती।